हे, स्वागत है आपका एस कासियन यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था डीटर प्लस बी के माध्यम से जो आपको दिल्ली में शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल्स में, तो वो भर्ती आपको कब तक देखने को मिलेगी। ठीक है, कब तक से मेरा तात्पर्य है दोस्तों कि जो कोरोना वायरस है और उसके चलते जो भी देश में हालात उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके चलते वो शिक्षक भर्ती कितना ज़्यादा प्रभावित हुई है उससे। उसी के चलते मुझसे काफ़ी सारे व्यूवर्स या फिर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने पूछा कि KVS की शिक्षक भर्ती कब तक हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों KVS के केस में बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि डीटर प्लस बी की अगर शिक्षक भर्ती कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन से प्रभावित हुई है तो KVS की क्यों नहीं हुई, KVS का भी बिल्कुल सेम का सेम हुई है। हाँ, हालांकि दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, जो आपको डीटर प्लस बी के माध्यम से शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है वो दिल्ली सरकार की होती है, और जो KVS की तरफ से आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है वो केंद्र सरकार की होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, KVS की शिक्षक भर्ती आपको 2019 के आखिरी तक मिल जानी चाहिए थी, ज़्यादा ज़्यादा आपको जनवरी में देखने को मिल जाती, 2020 की जनवरी में मिल जाती तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि हमें डीटर प्लस बी के माध्यम से 2019 के लास्ट के जो मंथ थे उसमें भी PRT के लिए शिक्षक भर्ती देखने को मिल गई थी, और जनवरी में हमें PGT के लिए मिल गई जनवरी 2020 में। तो अगर KVS की भी देखने को मिल जाती काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, अब आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और अभी भी ये निश्चित नहीं से आगे कितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो इसी के चलते दोस्तों, निश्चित रूप से आपकी KVS की शिक्षक भर्ती, आने वाली जो शिक्षक भर्ती है TGT PGT PRD के लिए, इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगी। वो भी क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पहले ही काफ़ी नीचे थी, इसके लॉकडाउन या फिर कोरोना वायरस के आने से पहले ही काफ़ी नीचे थी, और इसके आने के बाद तो और भी ज़्यादा नीचे होगी। ठीक है, तो पहले देश के जो हालात चल रहे हैं, जब देश में जो भी सुविधाएँ या सुरक्षाएँ उपलब्ध है, ठीक है, पहले उन्हें लेवल पर लाना है। ठीक, मतलब जो देश को सुचारू रूप से चलाने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन्हें एक बार लेवल पे लाना है, सामान्य स्तर पे लाना है। जब एक बार देश के हालात सामान्य हो जाएंगे तो फिर दोस्तों सोचा जा सकता है कि आपको KVS की तरफ से शिक्षक भर्ती कब तक देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा होना तो दोस्तों बिल्कुल असंभव सा ही है। और दोस्तों, यहाँ मैं केवल KVS की बात नहीं कर रहा हूँ, KVS के साथ साथ डीटर प्लस भी, या इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी आपको शिक्षक भर्तियां देखने को मिलती हैं, इसी के साथ साथ कोई भी स्टेट लेवल पर UP शिक्षक भर्ती, राजस्थान शिक्षक भर्ती, किसी भी स्टेट लेवल पर जो भी आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, सारी की सारी शिक्षक भर्ती इस लॉकडाउन से निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। मतलब जो आपकी आने वाली शिक्षक भर्तियाँ थी उन्हें निश्चित रूप से डिले कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बार हालत सामान्य हो जाए तभी आपको कोई भी बता पाएगा, मैं ही अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी आपको बता पाएगा कि आपको कब तक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, जो आपको KVS की शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया सेंट्रल की शिक्षक भर्ती होती है, ठीक है, तो इसमें स्टेट लेवल पर जो शिक्षक भर्तियाँ निकलती हैं, स्टेट से मेरा दोस्तों दिल्ली भी है, दिल्ली अलग ही स्टेट नहीं है, लेकिन स्टेट से इधर मेरा तात्पर्य है दिल्ली सरकार से, या फिर जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जिनकी सरकार है उस सरकार से। तो सेंट्रल लेवल की अपेक्षा स्टेट लेवल पर जो शिक्षक भर्ती निकलती है उसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ ही होती है, ठीक है, क्योंकि KVS की शिक्षक भर्ती आपको लगभग मिल ही जाती है, 2019 में देखने को नहीं मिली, लेकिन 2018-17 में हमें, या फिर 16 में भी हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिली थी। ठीक है, 2019 में नहीं मिली, लेकिन KVS की शिक्षक भर्ती में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन दोस्तों, एक बार हालात सही हो जाएंगे तो इसके मैक्सिमम चांस है कि जो आपकी डीटर प्लस बी है, इसके अलावा जो भी स्टेट लेवल पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है, उससे जल्दी आपको KVS की शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए। और हाँ दोस्तों, इसके आप 50-50% चांस लगा सकते हैं कि आपको KVS की शिक्षक भर्ती TGT PGT PRT के लिए और DTPSB के माध्यम से जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलते हैं ये आपकी क्लैश हो जाए। मतलब कि आपको एक ही समय दोनों शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, हालांकि एक ही दिन इनका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एक ही समय शायद से इसके 50% चांस है आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए। अब दोस्तों, इसमें फ़ायदा भी होता है और घाटा भी होता है। अब देखिए, दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है, TGT और PGT की बात करते हैं, ठीक है, PRT की भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, और इसलिए दोस्तों आपको दोनों की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ कॉमन विषय होते हैं, जैसे कि आपका CDP वगैरह हो गया, बाल विकास वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये तो सामान्य आते ही हैं, और आपको KVS की जो भी शिक्षक भर्ती निकलती है TGT PGT के लिए जब हम बात करते हैं उसमें विषय संबंधित की, सॉरी TGT की जब हम बात करते हैं, आपको उसका विषय संबंधित से कुछ भी नहीं पूछा जाता, ठीक है, आपका कॉमन ही पेपर आता है, PGT के लिए आपसे विषय संबंधित से पूछ लिया जाता है, ठीक है, लेकिन TGT में हमें कुछ नहीं पूछा जाता, आपका सारा का सारा कॉमन पेपर ही होता है, बाकी जब आपका बाद में इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसमें आपसे विषय संबंधित चर्चाएं की जाती हैं। तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आपको दोनों की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल अलग है, ठीक है, कुछ परसेंट आपको सामान्य सिलेबस मिल सकता है और बाकी आपको अलग ही सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है, तो दोनों की अलग अलग तैयारी करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी दोस्तों इसका एक फ़ायदा भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें क्या फ़ायदा हुआ था कि जो वेटिंग लिस्ट थी ना, जो KVS में वेटिंग लिस्ट थी, KVS में पहली
और जो सिलेक्शन हुआ ठीक है सबका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट भी थी। अब वेटिंग लिस्ट का क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका डीटर प्लस में भी सिलेक्शन हो गया था और उनका KVS में भी सिलेक्शन हो गया था, तो उन्होंने क्या करा KVS छोड़ के डीटर प्लस भी को ज्वाइन कर लिया। अब उन्होंने अगर KVS छोड़ा तो ठीक है नॉर्मल सी बात है भाई, वहाँ पर सीट्स खाली हो गई, तो जो बंदे वेटिंग में पड़े थे ना उनका वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, मतलब जो नॉर्मल जिन्होंने एग्ज़ाम पास करा उनका तो सिलेक्शन हो गया। उसके एक साल बाद जो वेटिंग वाले थे तो उनका सिलेक्शन वहाँ हो गया, क्योंकि जैसे ही उन अभ्यर्थियों ने छोड़ा जिन्होंने DTPSB में अपनी ज्वाइनिंग ले ली, तो उन्होंने KVS छोड़ते वहाँ उनकी सीट्स खाली हो गई और जो बाकी नीचे वेटिंग वाले थे उन्हें वो सारी सीट्स मिल गई। अब दोस्तों उन अभ्यर्थियों ने KVS छोड़ के DTPSB को क्यों ज्वाइन करा, मतलब कि KVS की अपेक्षा DTPSB में ऐसी क्या खासियत है जो उन्होंने KVS छोड़ दिया, तो अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों इस पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा दोनों का कंपैरिजन करके कि KVS ज़्यादा अच्छा है आपके लिए या फिर आपके लिए DTPSB ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं ठीक है, और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए वो वाली वीडियो भी ले आऊँगा। बाकी इससे अलग अगर आप DTPSB के सिलेबस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं या फिर KVS वगैरह के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों KVS का तो अभी हमने अपडेट नहीं करा है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, उस पर दोस्तों धीरे धीरे हम सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। अभी आपको DTPSB का उसमें सिलेबस मिल जाएगा, बाकी धीरे धीरे आपको KVS या इसके अलावा जितने भी भारत में शिक्षक भर्ती निकलते हैं उससे संबंधित सभी तरह की जानकारी सभी तरह के अपडेट्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करा दी जाएगी। इसलिए एक बार चाहे तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।